जय जय माता दी मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तंत्र मंत्र क्रिया कर्म योग अध्यात्म आत्मज्ञान हर ज्ञान जो आपके जीवन को संपूर्ण रूप से सुखमय और खुशहाल बना दे, वह भी जीवन में हर चीज आपको पूरी तरह से मिले, ऐसे उपाय और प्रयोगों के साथ। आज मानव जीवन जो है, हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख तकलीफ अपने जीवन साथी को लेकर पा रहा है, अर्थात किसी का साथी है तो वो संपूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख और आनंद जो होता है जीवन का कि अपने साथी के साथ संपूर्ण रूप से उस अवस्था को प्राप्त करना जिसे संभोग कहते हैं। अगर वह सुख से वंचित है तो यकीन मानिए उसका जीवन नर्क के समान है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय प्रयोग और मंत्र बताऊंगा जिससे कि आप अपने साथी को जिसके साथ आपका रिलेशन है, जिसके साथ आपका जो जीवन है उसके ऊपर इसे करेंगे तो वह इस मंत्र और काम के बाण से इस तरह से विचलित हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, एक तरह से पागल हो जाएगा कि अपने आप को काम की भावना से संभाल नहीं पाएगा और मजबूर हो जाएगा संभोग शक्ति के अधीन होके। तो करना क्या है, इसके लिए कुछ नियम होते हैं क्योंकि यह सृष्टि पूर्ण रूप से नियम में बंधा हुआ है। नियम के साथ ही आप कुछ चीजों को कर सकते हैं, कुछ नियम का पालन करना है, इसके लिए कुछ सामग्रियां चाहिए। तो सबसे पहले इस विधि को आपको शनिवार के रात्रि 12 बजे के बाद, और ध्यान रहे अगर वह सो जाए तो सबसे पहले तो स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के ऊपर करना है। उसके सोने के बाद कुछ सामग्री आपको चाहिए, उसका प्रयोग किया हुआ कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, चाहे बाल हो, रुमाल हो, कपड़ा हो, या फिर उसके हाथ से लगा हुआ कोई कपड़ा हो, कुछ भी ले लो, उसे सामने रखो। और उसके बाद आपको दिया जलाना है घी का, और यह मंत्र को रुद्राक्ष की माला से 521 बार जाप करना है, वो भी उस व्यक्ति को ध्यान करके। मंत्र जाप जब करेंगे तो पूर्ण रूप से एकाग्रता का ध्यान रखिए और इस विधि को निरंतर में 3 दिन करना है। 3 दिन में ही आप पूर्ण रूप से जो मन चाहा चीज है उसे पा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब इस मंत्र को जाप करेंगे तो उसकी सामग्री जो दिया रहेगा उसमें आपको जलाते जाना है उसे ध्यान करते हुए। और उसके बाद इस क्रिया को कर लेने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सोना है। फिर देखिए इस क्रिया का, इस शक्ति का अद्भुत चमत्कार। तो बोले वशीकरण सिद्धांत इस तरह से उसे ध्यान से सुनिए। ओम क्रीम श्रीम क्रीम ठह ठह अमुक वशम कुरु। अमुक में उसका नाम लिखना है और समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। जय जय माता दी।